हेलो एवरीवन, एसओएल ने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड या कहीं हॉल टिकट रिलीज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है। सबसे पहले दो तीन कॉमन क्वेरीज जो आएंगी स्टूडेंट्स की वो मैं क्लियर कर दूँ। अभी हो सकता है कि सभी कोर्सेज के एडमिट कार्ड रिलीज ना किए गए हों। ऐसे कोर्सेज खासकर जिनके एग्जाम थोड़ा लेट स्टार्ट है, जैसे बीए प्रोग्राम के एग्जाम जो है 4 मार्च से स्टार्ट है, तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड अभी रिलीज ना किया गया हो। आपका एडमिट कार्ड भी 1-2 दिन में मैक्सिमम रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का या किसी कोर्स का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन के अंदर सभी एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। अब एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो है अभी के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में हो सकता है अवेलेबल हो जाए और वेबसाइट में भी कुछ टाइम में हो सकता है अवेलेबल हो जाए। अभी आपको कैसे डाउनलोड करना है, आप इस वेबसाइट पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, हॉल टिकट फॉर एग्जामिनेशन 2022-2023। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंपस सेलेक्ट करना है। थोड़ा आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे आपको पहले आपको कैंपस सेलेक्ट करना है, नॉर्थ या साउथ। तो जिसको पता है कि नॉर्थ या साउथ, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं पता, तो एक बार आप नॉर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने डिटेल्स फिल करके देख लो, और एक बार साउथ सेलेक्ट करके अपने डिटेल्स फिल करके देख लो। दोनों में से किसी एक में आपका डेफिनेटली शो हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना एसओएल का रोल नंबर फिल करना है। अब रोल नंबर में आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है बीच में डैश लगा के, उसी तरह से सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे टाइप करना है, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना है। बिना डैश दिए, बिना यहाँ पे गैप दिए वो आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या तो आप कैलेंडर से जाकर यहाँ पे चूज कर सकते हो, या फिर अगर आप टाइप कर रहे हो तो इसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट का यूज़ आपको करना है। फिर आपको अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, जो भी आपके आईडी कार्ड पर दिया हुआ है। अगर कैपिटल में दिया हुआ तो कैपिटल में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आप शो पे जाएंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है या कहीं हॉल टिकट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें जितने भी आपके 7 एग्जाम है, उन 7 एग्जाम के डेट्स मेंशन होंगे, टाइम मेंशन होगा। इसके अलावा जो आपके एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ही मेंशन होगा कि इस एग्जाम सेंटर में जाकर आपको अपना एग्जाम देना है। तो आप वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड में जो भी डेट्स हैं आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे मैं बता दूं आपको। जब आप एग्जाम देने जाएंगे हॉल में, जैसे मान लीजिए आपका जिस भी टाइम एग्जाम स्टार्ट है उसके आधे घंटे बाद तक आपको एग्जाम हॉल में एंट्री दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम जो है 12 बजे स्टार्ट है, तो आपको एग्जाम हॉल के अंदर 12:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आपका एग्जाम जो है 9 बजे स्टार्ट है, तो आपको 9:30 बजे तक एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री दी जाएगी, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो आपको अपना हॉल टिकट लेके जाना है। जो हॉल टिकट आपका आया होगा इसी को आपको प्रिंट करवा लेंगे, इसको आपको लेके जाना। और इसके साथ ही कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, कोई और आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो वो भी आप लेके जा सकते हो। तो ध्यान रखना है आपको दो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, एक आपका हॉल टिकट और दूसरा कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ। एसओएल का आई कार्ड ले जाने की ऐसे जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं। एसओएल का आई कार्ड ले जाना कंपलसरी नहीं है। तो ये अभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी कि एसओएल के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होने हैं उनके लिए जो हॉल टिकट है या क्या एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, इसको आप डाउनलोड कर लें। अगर किसी स्टूडेंट को डेट से समझ नहीं आ रही थी तो एडमिट कार्ड में आपके जो एग्जाम्स की डेट है वो क्लियरली मेंशन होगी। बाकी जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम थोड़े लेट स्टार्ट है या जिन कोर्सेज के एग्जाम थोड़े लेट स्टार्ट है, जैसे बीए प्रोग्राम हो गया, उसके एडमिट कार्ड हो सकता है अभी ना शो हो, तो आप वेट करें, जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी शो हो जाएंगे। कोई और आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।